Hello, beautiful hearts. Welcome to my channel, Love Tarot for You. आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जो चलते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं, जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, मतलब यस या नो ऐसे आंसर आप चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के, तो वही ये वीडियो है ना। आप जानना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में चल रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो एंजल्स किस तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं, किस तरह से वो आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पाइल रीडिंग है तो इसमें से एक तो एक पाइल चूज़ कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और एक अच्छी होप के साथ हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और एक अच्छी होप के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। कार्ड्स निकाल रहे हैं। यहाँ मिला है सबसे पहला कार्ड 8 of Cups का कार्ड है। रिलेशन को लेकर आपका सवाल है, इमोशंस को लेकर आपका सवाल है। मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगी बाद में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकला है, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 of Pentacles, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैं डिटेल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, साइन भी बता देती हूँ। जो जो भी साइन निकले हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फायर साइन है लियो एरिस सजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। सारे ही साइन यहाँ पर हैं गाइस। तो अब देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे रिलेशन को लेकर दिखाई दे रहे हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड निकला है 2 of Cups। यहाँ आपका सवाल रिलेशनशिप को लेकर है। कोई एक ऐसा है जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं और एक तरह का सोल कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ। ऐसे पर्सन हैं आपके पास, है ना, और एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं जिसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। फिज़िकली उतने ना हो लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और हमेशा आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं का ख्याल आपको रहता है हमेशा।
हमेशा ऐसा दिमाग में रहता है कि बस इनको कैसे खुशियां दे दी जाए, है ना। तो यहाँ पर आपका सवाल है, अपने आप से आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी विशेज़, क्या जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो फुलफ़िल होंगे, क्या ये जो आपका रिलेशन है क्या वो सक्सेसफुल होगा। आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ट्रूली लव करता है, क्या वो आपके लिए लॉयल है, यस या नो, ऐसा आप जानना चाहते हैं। क्या आपकी मैरिज जिनसे हो जाएगी, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, क्या उनसे आपकी मैरिज हो जाएगी, क्या वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए आप पागल हैं, क्या आपको उनके साथ हैप्पीनेस मिलेगी, आप उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपको भी इन रिटर्न मिलेगा। ऐसा सा आपके दिमाग में चलता है कि क्या उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, क्या वो कहीं आपके अलावा कहीं और तो नहीं चले जाएंगे, क्या जिनके लिए आप सारी लाइफ जी रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है। तो इस तरह के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रिलेशन को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि इस तरीके से जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं, क्या आप इन पर पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं या रिलाय नहीं कर सकते, क्या ये आपको धोखा देंगे कभी या कभी भी धोखा नहीं देंगे, क्या ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको बहुत ही खुश रखेंगे जैसा कि आप इनसे प्यार करते हैं, जैसा कि आप पूरी तरह से एफ़र्ट्स करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो क्या ये भी आपको उतना ज़्यादा फ्यूचर में खुश रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, क्या इनके साथ आपकी लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या आपको ये कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, क्या आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिलेशन को लेकर हैं, ठीक है। अब दूसरा कार्ड जो निकला है वो है 8 ऑफ कप्स। गाइज, ये धोखे को लेकर है, हर्ट को लेकर है। किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, सेपरेशन का भी कार्ड बता रहा है कि आप सेपरेशन में चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, क्या आप उनकी लाइफ में वापस जाओगे या नहीं। आप में से ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो कि मूव ऑन करना चाहते हैं, जिनको कि होप ही ख़त्म हो गई है कि शायद अब नहीं होगा, नहीं आएंगे वापस, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो भी यही क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे, क्या वो लॉयल्टी के साथ वापस आएंगे, क्या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्या वो रियलाइज़ करेंगे, क्या वो अपने लिए गिल्ट महसूस करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी आपको सफ़र करना पड़ा। तो आप जानना चाहते हैं क्या इन रिटर्न उनको भी यही सफ़र करना पड़ेगा, मिलेगा क्या ये सब उनको भी जो उन्होंने आपके साथ किया है, अनजस्टिस किया है, या जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं आपको लेकर, आपके साथ बहुत गलत कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, तो क्या उस पेन का आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, आपने अच्छे काम भी तो किए होंगे। ये कार्ड आपकी एक बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी को दिखा रहा है, इस तरह की एनर्जी में हैं आप, जैसे होपलेस हैं, बहुत ही दुखी, बहुत परेशान, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, बहुत तरह के डाउट्स हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आप, अकेले रह गए हैं। तो सिक्योरिटी को भी लेकर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, सिक्योरिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक सिक्योर्ड लाइफ का सपना आप देखते हैं, तो क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा।
कार्ड तो कम्प्लीटली यही बता रहा है कि आपको धोखा मिला है, किसी ने करंटली डिच किया है आपको। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आप सोच रहे थे या जो विश थी आपकी, वो हुआ ही नहीं, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा विश्वास हो उन पर, लेकिन उन्होंने आपको डिच कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी रिलेशन में रिजेक्शन मिला हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उनकी तरफ, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया अननेसेसरी के रीजंस देकर, या शायद बिना किसी रीज़न के रिजेक्शन आपको मिला है ना। और तो काफ़ी चीज़ों में आपके डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये तो है ही, होगा ही कि क्या वो वापस आएंगे, है ना। और साथ में ये भी है कि क्या उनको रिग्रेट होगा, क्या वो रियलाइज़ करेंगे आपके लव को, आपके प्यार को वो रियलाइज़ कभी करेंगे। तो ऐसी एनर्जी में हैं आप, इस तरह की एनर्जी में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है, और भी चीज़ों से शायद आप परेशान चल रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन है आपका मेनली, है ना। क्या आपके पर्सन सुधर जाएंगे, क्या वो चेंज होकर आएंगे, क्या हमेशा के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस को लेकर भी आपका थोड़ा सा झुकाव है, आप चाहते हैं थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में भी जानना। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ का ये क्वेश्चन हो सकता है कि या तो आप, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो या एक प्राइवेट जॉब ही सर्च कर रहे हो। तो आपको, आपका क्वेश्चन एक ऐसा हो सकता है कि क्या आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। और अगर रिलेशनशिप के लिए देखें तो रिलेशनशिप के लिए ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी किसी एक पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और फिर दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है कि शायद नहीं, वो ठीक नहीं है, आपके लिए सही पर्सन नहीं है। थोड़ा सा उनका बिहेवियर देखकर, ईगो देखकर या एटीट्यूड देखकर आप थोड़ा सा डर जाते हो। तो तुरंत ही आपको डाउट भी हो जाता है, आपको खुद लगता है कि नहीं, ये पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है यहाँ पर कि क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है, क्या यही ये वो इंसान है जिसके साथ आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, क्या ये फ्यूचर में आपका साथ देगा, क्या फ्यूचर तक आपके साथ रहेगा, क्या ये किसी और के साथ तो नहीं चला जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो स्टेबल रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा आपकी लाइफ में, आपकी आपको धोखा तो नहीं देगा। गाइस, ये कार्ड देखकर तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपा रखी हों। तो आपको ये भी डाउट होता है कि क्या आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, क्या कुछ सीक्रेट्स हैं उनके जो आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ उनके बिहेवियर को लेकर आपके थोड़े से डाउट्स हैं, जो जिस तरह की वो बातें करते हैं उससे आपको डाउट आता है, उनके बिहेवियर से डाउट आता है कि ये क्या ये आपके साथ लॉयल हैं, कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं। आप एक्चुअली लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, रिश्ते में सिक्योरिटी चाहते हैं, और इस टाइम पर शायद आपके पास सिक्योरिटी की कमी है ना। वो लाइफ आपकी सिक्योर्ड नहीं है, आपके पर्सन आपको सही कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वो कमिटमेंट देंगे आपको, क्या आपसे शादी कर लेंगे। यहाँ पर कुछ पर्सन्स ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि उनके पर्सन की तरफ उनको अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, और कई बार बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं उन्हें, है ना। तो लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर कुछ कभी कभी बदल जाता है, उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ बोलें या नहीं बोलें। मेनली आपका क्वेश्चन जो है
सिक्योर्ड लाइफ को लेकर है, एक सिक्योर्ड रिलेशनशिप को लेकर है ना। करियर को देखें अगर, तो करियर में आप जॉब देख सकते हैं कि जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, या इन्वेस्ट करना नहीं अच्छा रहेगा, है ना गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको परेशान कर रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये एक्चुअली कुछ कर्मा से जुड़ा हुआ है ना, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि अपनी डेस्टिनी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, डेस्टिनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, अपने आप में बहुत टेंशन रहती हो, आप जानना चाहते हो कि क्या डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी या नहीं, क्या यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। कर्मा पर भी आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आप हमेशा अपनी तरफ से अच्छा कर्मा करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप हमेशा कुछ भी करते टाइम फोकस रखते हैं कि कर्मा आपका गलत नहीं हो जाए। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या आपको भी आपके अच्छे किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। इस समय ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बुरा फेज़ चल रहा है, एक सेपरेशन का फेज़ हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका टाइम चेंज होगा, क्या आपका समय बदलेगा। अभी जो ये बुरा वक्त चल रहा है, क्या ये आपका बुरा वक्त बदल जाएगा, क्या ये चेंज हो जाएगा। जो अच्छाई आप लोगों के साथ करते हैं, जो अच्छा आप सभी के लिए सोचते हैं, तो क्या वो इन रिटर्न आपको मिलेगा, है ना। आप अपनी तरफ से रिश्ते में भी बहुत एफर्ट्स डालते हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं उनके साथ, उस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत तरह से आप गाइडेंस भी लेते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या उसका इन रिटर्न आपको मिलेगा, क्या यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा, क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। और अगर रिलेशनशिप से हट के अगर हम कुछ देखते हैं, तो उसको ये है कि लोकेशन के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप रिलोकेट होना चाहते हैं कहीं पर, तो क्या आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, है ना। क्या आप जगह चेंज करना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। अब्रॉड का सोच सकते हैं कि अब्रॉड जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अब्रॉड सेटल हो सकते हैं या नहीं हो जाएंगे, है ना। और बेसिकली ये है रिलोकेशन एंड कर्मा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ ख़राब की है, तो उस थर्ड पार्टी को क्या अपने कर्मों का फल मिलेगा, क्या उसका कर्मा उसके सामने आएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, है ना। एंड नेक्स्ट है, इस टाइम गाइस आप में से कुछ लोग खुद को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर परेशानियां हो सकता है फ्यूचर इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आप बहुत तरह के डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। आप सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो ऐसे में अपने रिलेशन में आप जो जो चीज़ें प्लान कर रहे हैं, है ना, तो आप जानना चाहते हैं कि उस आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। रिज़ल्ट आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। आप अपने एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं,
बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, और आप ऐसा भी सोचते हैं कि जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, इस टाइम भी कर रहे हैं और पहले से भी करके आए हैं, तो क्या उनका रिज़ल्ट मिलेगा या रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। जैसे ये कॉइन यहाँ पर स्टक है, एक सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा आप स्टक हैं। अब ये हो सकता है ये जानना चाहें कि क्या मुझे आगे और बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, क्या इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, क्या जो आप कर रहे हैं काम, जो भी चीज़ें आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल होंगी, क्या यही करते रहना चाहिए। देखिए ये जो सिचुएशन है ना, ये एक स्टक वाली सिचुएशन है। आपकी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या इसी पर काम करते रहना चाहिए, आप इस तरह के कंफ्यूजन में रहते हैं। रिलेशनशिप में भी आप यही जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल आएंगे, क्या थर्ड पार्टी छोड़कर चली जाएगी, क्या थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भूल जाएंगे। क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्या आपके पर्सन या आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, क्या वो आपको सिक्योरिटी देंगे, फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा क्या आपका। हो सकता है आपकी फैमिली हो, है ना, हो सकता है आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हों, तो बच्चों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं, क्या होगा आपका, क्या होगा इनका, क्या होगा। अपने से ज़्यादा तो आपको अपनी फैमिली की चिंता है, तो ऐसे में आप सोचते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप हो सकता है ये जानना चाहते हो कि जो आप सोच रहे हैं या जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो आपने फैसले किए हैं, क्या वो आपके फेवर में रहेंगे, क्या वो करने सही हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो ये भी ये एक तरह का रुका हुआ रिश्ता बताता है, जैसे कि आपके रिश्ते में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है ब्लॉक कर रखा हो उन्होंने आपको, आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो, तो एक ठहरा हुआ रिश्ता है। ऐसे में गाइस ये जो कार्ड बता रहा है, जो जिस तरह के क्वेश्चंस ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, तो आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे या वो अनब्लॉक नहीं करेंगे, क्या वो आपके पास चलकर वापस आएंगे, क्या वो खुद से कोई स्टेप लेंगे या आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो क्या वो सही रहेगा, आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करना चाहते हैं। कई बार आप खुद भी अपने आप में कमियां खोजते हैं कि कहीं आप में ही तो कोई कमी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कहीं कुछ गलत कर रहे हो या आपसे कहीं कोई भूल हो रही हो, इस तरह का सोचते हो आप, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हो, सारा दिन आपका आपके पर्सन ही आपके दिमाग में चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर गाइस आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आपके पर्सन आपको स्पाई तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो आपका स्टेटस चेक करते हैं या नहीं करते हैं, या इंस्टा पर आपको और किसी और अकाउंट से चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने रिश्ते में एक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो कई पर्सन्स तो इस तरह का क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हैं, इस तरह का मन में आपके चल रहा है कि जिस पर्सन ने अभी आपसे बात करना छोड़ दिया है, तो क्या ये आगे इसी रिश्ते में आपकी ग्रोथ होगी, क्या ये सही टाइम है ग्रोथ का या और थोड़ा सा वेट करना है आपको, जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं आप, तो क्या वो पर्सन वापस रहेंगे, आएंगे आपकी लाइफ में, क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, क्या ऐसा ही है, बहुत सारे डाउट्स भी चल रहे हैं आपके दिमाग में।
अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो आपके आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो इंट्यूशंस आपको हो रहे हैं या जो दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई में सच है। तो आप इसके लिए आंसर चाहते हैं येस और नो, एक क्लियर कट आप आंसर चाहते हैं येस और नो। आपको अपने पर्सन के साथ लाइफ बितानी है, येस या नो, है ना गाइज। और नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, ये कार्ड में आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो, आप उन सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपकी मैरिज पक्की हो गई हो, फिक्स हो गई हो, या मैरिज का प्लान कर रहे हों। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ये रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा या नहीं रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं। हो सकता है किसी तरह के आप नई शुरुआत करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो कुछ, तो उसका भी क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है आप जॉब को छोड़कर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि करियर वाइज अगर देखें तो सैलरी इंक्रीज़ कब कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, इस तरह का क्वेश्चन होगा उनका। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या जो पोजीशन आप चाहते हैं क्या वो पोजीशन मिलेगी या नहीं। ग्रोथ के बारे में है ये बेसिकली, ग्रोथ है ना, क्या इस जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फैमिली से मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अगर मैरिड हैं तो आपको आपकी ससुराल से कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप जान सकते हैं। यहाँ गाइस नई चीज़ों के लिए भी ये कार्ड है। तो अगर आप घर लेना चाहते हैं, नया कार लेना चाहते हैं, या नया रिश्ता एक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हो सकता है जानना चाहते हो कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, क्या ये पर्सन अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, आपके लिए लकी रहेगा, क्या आप खुद लकी हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, है ना। ये कार्ड बहुत प्रैक्टिकल कार्ड भी बताता है क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल बेसिस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं आप अपने रिश्ते में, करियर में, आप अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ पर्संस हो सकता है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का सोच रहे हों, कुछ नया काम करने का सोच रहे हों, तो ये भी वैसे कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा तो बहुत रहेगा अगर आप ऐसा सोचते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना या कुछ करना आप चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी हम आंसर क्या होगा इसका, इन सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा वो तो हम देख ही लेंगे, है ना। और है ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ये तो ऐसी एनर्जी का कार्ड है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हेल्थ से भी परेशान हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, और मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत ज़्यादा दुख दिया है आपको, बहुत परेशान कर रहे हों आपको, आपको बार 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 जैसे नीचा दिखा रहे हों, या बार बार आपको डिच कर रहे हों, धोखा दे रहे हों बार बार। आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ट्रस्ट करते हुए आए उन पर, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसे में इस तरह की एनर्जी में है कि आपको नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं सारे दिन, है ना। तो गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ का ये सब जो भी जितना भी ख़राब टाइम चल रहा है, क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, क्या आपका प्यार आपको मिल जाएगा, क्या आप इन सब चीज़ों से रिकवर कर पाएंगे, क्या जो दिल के घाव हैं आपके, क्या वो दिल के घाव कभी भर पाएंगे। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो क्या आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके गाइज हो सकते हैं, है ना।
इतने सारे, अगर इनसे थोड़ा सा भी रेजोनेट होते हुए भी, मिलते जुलते भी क्वेश्चन हैं तो वो भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। मुझे जितने क्वेश्चंस समझ में आए, कार्ड्स ने, एंजल्स ने जितने वाइब्स दी जिस तरह के क्वेश्चंस की, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनका आंसर सारा सभी का यस है या फिर आंसर नो है। तो एंजल्स से आप प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दे यूनिवर्स, किस तरह से क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको, वो हम देख रहे हैं। एंजल्स मेरी हेल्प कीजिए, जो भी आप बताना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर होने वाले हैं वो आप बताइए क्या रहेगा। ओके, हमें दो कार्ड मिले हैं, एक तो मिला है जस्टिस एंड मिला है द हाई प्रीस्टेस। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए गाइस, एक तो आपके फेवर में जाएंगे, मींस यस, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है यस, आप ही के फेवर में जाएंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी निकला है, तो कार्ड ये बता रहे हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप कोई भी फैसला लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो। ठीक है, और एक और जो गाइडेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप अपनी चीज़ें डिस्क्लोज करके मत चलना, उसको थोड़ा सा हाइड करके रखना, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको बता बता के नहीं करना, सब में सबको बता के, या कहना चाहिए इसको भी बताना उसको भी बताना प्लानिंग करके, वो नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना है ना। जो बहुत ख़ास होंगे आपके, जिन पर कि ट्रस्ट कर सकते हैं आप, उन्हीं को बताना, अदरवाइज़ नहीं बताना है ना। तो जो पाइल नंबर वन है उनके क्वेश्चन का आंसर है यस, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। ठीक है गाइज, तो मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा रखते हैं, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके क्वेश्चंस थे। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर टू के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर टू, जिन लोगों ने पाइल नंबर टू चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं, और ये यस नो रीडिंग है, आपके क्वेश्चंस के आंसर वाली वीडियो है। जितने भी आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप उनके लिए श्योर होना चाहते हैं, एक क्लैरिटी चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि आप क्लियर आंसर चाहते हैं यस या नो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें कार्ड मिले हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड निकालते हैं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड्स थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, फिर साइन भी देख लेंगे यहाँ कौन कौन से साइन आए हैं यहाँ पर गाइस, कौन कौन से साइन आए हैं आपके लिए।
एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, फायर साइन भी है लियो एरीज सजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। देखिए गाइज, सबसे पहला जो कार्ड है ये है एयर साइन है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, मतलब ओवरऑल सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, है ना। एक रास्ता तलाश रहे हैं आप, आपको एक रास्ता चाहिए या एक होप चाहिए आपको, एक क्लैरिटी चाहिए आपको कि जो आप करना चाहते हैं या जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं कि क्या वो आपके फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। इमोशनली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, कनेक्शन बॉन्ड में हो सकता है, क्योंकि ये एक सेपरेशन का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड है। तो आपको आपके कनेक्शन बॉन्ड में, क्या वो आपका बॉन्ड बनेगा, ऐसा सेपरेशन का कार्ड है, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको या नहीं, सेपरेशन में है तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए। देखिए ये कार्ड जो है ना, एक तरह का लॉस भी दिखा रहा है, लॉस भी हो रहा है आपको, या तो लॉस में चल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके होते हुए भी आपके नहीं हैं ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में, है ना। बहुत सारी सोच चल रही है आपकी, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ काम तो सीक्रेटिव करना चाहते हैं, आप सीक्रेटली करना चाहते हैं, किसी को पता भी ना लगे और सब कुछ ठीक हो जाए, इस तरह का चाहते हैं आप, है ना। तो आपके मन में ऐसा चलता रहता है कि क्या आप जो कर रहे हो, आप जितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल रहेंगे, क्या वो ट्रूथफुल रहेंगे, क्या वो आपको चीट तो नहीं कर देंगे, जो जो भी अभी रिलेशनशिप में है, जो सेपरेशन में नहीं है, है ना। तो उनके मन में इस तरह का क्वेश्चंस चल रहे हैं। इस कार्ड में ना ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशान हो रहे हैं आप, जो भी काम कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ये जो कार्ड है ये एक तो बेसिकली नई शुरुआत के लिए है, आप अपने पर्सन के साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, आप सब कुछ माफ़ करना भी चाहते हैं, जो भी आपके साथ हुआ है आप उन चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है कि क्या आपके पर्सन ऐसा करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्या वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्या वो जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उनसे बाहर आ जाएंगे, है ना। आपका क्वेश्चन सिक्योरिटी को लेकर भी हो सकता है, एक सिक्योर्ड लाइफ को लेकर भी हो सकता है। वैसे तो ये ज़्यादातर तो नई शुरुआत के लिए है, अगर आप कुछ अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्या आपको जॉब मिल जाएगी, क्या आप ये बिज़नेस करेंगे अगर तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला आएगा, है ना गाइस। और है जजमेंट, तो यहाँ गाइस आप सब कुछ सही होने का वेट कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, एक फेज़ ऐसा चल रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख रखा है, बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा हुआ है, बहुत ही दुख दे रखा है, पेन दे रखा है, सिचुएशन ने दे रखा हो, पर्सन ने दे रखा हो, आपके पार्टनर ने, खुद के पार्टनर ने दे रखा हो, इस तरह का चल रहा है, है ना। और आप फिर भी यूनिवर्स पर बहुत भरोसा करते हैं, आप एंजल्स पर बहुत भरोसा करते हैं, आप डेस्टिनी पर बहुत भरोसा करते हैं, तो आप ऐसा जानना चाहते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या कभी खुशियाँ लिखी हैं, क्या कभी कुछ बदलेगा, क्या आपकी लाइफ कभी बदलेगी, क्या आपके पर्सन आपको सच्चा सुख देंगे,
कि आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो क्या मैरिड लाइफ में कुछ सुख है आपके लिए? क्या यूनिवर्स आपके लिए कोई ऐसा पर्सन भेजेगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो आपकी बहुत केयर करेगा, बिल्कुल वैसे ही एक प्योर ट्रू लव करेगा जैसे आप करते हो? क्या किसी की फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपके गाइज मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके मन में चलते रहते हैं, है ना? ऐसा सोचते होंगे, हो सकता है आपने कभी इन चीज़ों को महत्व ना दिया हो, अपने क्वेश्चंस को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखा हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में तो चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप कई बार सोचते हो कि क्या चाहा आपने? आपने सिर्फ एक अच्छा प्यार चाहा, एक अच्छा रिश्ता, मजबूत बॉन्ड चाहा, जो कि ट्रू होना चाहिए था, प्योर होता, उसमें विश्वास होता। तो इस तरह के चलते हैं कि आप अगर आगे बढ़ते भी हैं, या आपके पर्सन अगर आगे आपके पास वापस आते भी हैं, तो क्या वो फिर लॉयल रहेंगे आपके लिए, है ना? या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हैं अभी, तो आपके दिमाग में रहता है कि जैसा इन्होंने पास्ट में किया है या जैसा पास्ट रहा है, कहीं ये फिर से उसी पास्ट को तो नहीं दोहराएंगे, कहीं ये आपको छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं ये आपको बीच मझधार में अकेला तो नहीं छोड़ देंगे, क्या ये आपका साथ हमेशा के लिए निभाएंगे, क्या ये आपका सोलमेट है, क्या डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में आपके पर्सन को भेजा है, है ना? क्या यही वो पर्सन है? क्या यहीं पर रुक जाना चाहिए आपको? क्या इसी से शादी करनी चाहिए? इस तरह के क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप ये प्यार मिलेगा, क्या आपकी मैरिड लाइफ में आपको सुख मिलेगा, क्या ये पर्सन के साथ शादी करने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी? इस तरह के डेस्टिनी से लेकर, डेस्टिनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या आपकी अवेकनिंग तो नहीं हो रही है, क्या आपको किसी तरह का कोई कर्मा तो नहीं मिल रहा है कभी किया हुआ, है ना? यहाँ पर गाइज ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी से आप परेशान चल रहे हैं, तो क्या थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है? क्या मिलेगी आगे? कैसी मिलेगी? क्या होगी वो सज़ा, है ना? इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में परेशान आपको करते रहते हैं, ठीक है गाइज? और ये है गाइज 7 of Wands। ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि एक तरह के स्ट्रगल में चल रहे हैं आप, आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं इस टाइम लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम कहना चाहिए कि आपका चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे पर्सन आप में से, ये क्वेश्चन उनका हो सकता है कि ये जो अभी स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, ये इतने सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म हो जाएंगे? किसी तरह से फंसे हुए चल रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, गिव अप करें या फिर इसको होल्ड करके रखें, आगे बढ़ें या पीछे हटें या फिर अभी वेट करें, इस तरह के हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर मन में चल रहे हैं, क्या किसी तरह की कोई भी उम्मीद है या उम्मीद तो है ही नहीं, किस तरह से सिचुएशन को ओवरकम करें, किस तरह से ये चीज़ों को संभालें, यूनिवर्स कब आपको ब्लेसिंग्स देगा, यूनिवर्स कब आपके पर्सन को आपसे मिलाएगा या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, है ना? इस तरह के बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए आपके पर्सन का। जो दिख रहा है क्या वो सही है, या जो नहीं दिख रहा है क्या वो सही है, इस तरह के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत ही पजल चल रहे हो आप, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, है ना गाइस? इस तरह की सिचुएशन ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। गाइज आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि इनमें से आपके कोई क्वेश्चन मैच होते हैं या नहीं होते, रेजोनेट होते हैं या नहीं हुए, है ना? आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। और ये कार्ड है हीरोफेंट। ये कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आप बहुत सारी परेशानियों में तो हैं, एक ऐसा लाइफ में आपकी
कहना चाहिए लोनलीनेस आ गई है, या ऐसा हो गया है कि ऐसी आपकी एनर्जी हो गई है कि आपको कोई भी चीज़ में किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा और आप हर चीज़ से दूर दूर भाग रहे हो, चाहे लोगों से बात करना हो या फिर सेलिब्रेशन करना हो या फिर पार्टी करना हो, गेट टुगेदर हो, आप भाग रहे हो, है ना। लेकिन अंदर अंदर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, लाइफ को लेकर आपके ड्रीम्स हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं, आपके मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे कभी या नहीं होंगे, क्या आपकी लाइफ स्टेबल होगी कभी, क्या आपकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, है ना, क्या आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे या फेल होंगे, है ना, या चीज़ें आपकी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये आपके अपने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी आपके आपके अपने रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको कभी मेंटल पीस मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अशांत हैं आप, है ना, दूसरों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप, लेकिन अंदर 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 बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दूसरों को अच्छा दिखाते हैं, दूसरों को आप शो ही नहीं होने देते कि आपके अंदर एक दर्द का समंदर भरा पड़ा है। तो अगर रिलेशनशिप में देखें तो आप अपने पर्सन के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं या फिर आप बहुत कुछ कर रहे हैं जिस पर्सन के लिए, क्या वो पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है, क्या वो हमेशा आपका साथ देगा, क्या वो हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा ईमानदारी से आपके रिलेशनशिप में आपके साथ रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, कभी धोखा तो नहीं देगा आपको, इस तरह के सवाल हैं आपके। अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत कुछ प्लान करना चाहते हैं, रिलेशन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत कुछ प्लान करना चाहते हैं, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, शादी का भी कार्ड है ये कि आपकी मैरिज हो जाएगी या नहीं होगी, या आप जिससे प्यार करते हैं उनसे आपकी मैरिज हो जाएगी या नहीं होगी, है ना। और अगर आप होपफुल हैं या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी जाना चाहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, और ये कार्ड गवर्नमेंट जॉब का भी है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। आप अपनी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, आप ऐसा चाहते हैं कि आपको आपके नाम से जाना जाए, है ना, आप हेल्पलेस नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या कभी ऐसा होगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्या आप कभी सक्सेसफुल बन पाएंगे, क्या फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। और आप जानना चाहते हैं कि आप जो भी विश कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्या वो गॉड पूरी करेगा, या ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप एक तरह से अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना, क्या आपकी एक नई डायरेक्शन में लाइफ जाने वाली है, जैसे कि अभी आप इतने अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो कहीं आपकी लाइफ स्पिरिचुअलिज्म में तो नहीं जाने वाली है, इस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, है ना गाइस। एंड ये है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर है, रिश्ते को लेकर है, एक सच्चे प्यार को लेकर है। आप जिसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, आप उसके लिए सब कुछ कर देते हैं, बहुत सारा आपके दिल में प्यार ही प्यार भरा हुआ है ना। तो ऐसे में गाइस, अगर मैं क्वेश्चन इसका देखती हूँ तो आपका क्वेश्चन रिलेशन से ही रिलेटेड होगा कि क्या आपकी उनसे कंपैटिबिलिटी होगी, क्या आप दोनों का बॉन्ड अच्छा रहेगा, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं क्या आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा। वो ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हों ऑलरेडी, है ना, या फिर मैरिज होने वाली हो,
तो ये भी जान सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जानना चाहते हो कि आप उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, हस्बैंड या वाइफ के साथ, है ना, आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी रहेगी, क्या वो रोमांटिक होंगे या नहीं होंगे, क्या वो लवेबल होंगे या नहीं होंगे, क्या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, है ना, क्या आपके पर्सन आपको कभी समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या हमेशा ही आर्ग्यूमेंट करेंगे, हमेशा ही ऐसे ही रिश्तों में तनाव रहेगा, क्या आपके रिश्ते कभी अच्छे हो पाएंगे, है ना, क्या वो आपकी केयर को कभी समझ पाएंगे, क्या वो कभी आपके प्यार को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो है ना, देखिए लाइफ थोड़ी सी अनस्टेबल दिख रही है, जैसा ये वाटर है, मतलब बहुत उथल पुथल है आपकी लाइफ में, तो ऐसा भी हो सकता है आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचते रहते हो कि क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंस को लेकर सोच सकते हैं कि क्या फाइनेंस में आपकी ग्रोथ होगी, क्या आप अपना घर बना पाओगे, क्या आप प्रॉपर्टी ले पाओगे, है ना, क्या आपको मेंटल पीस मिलेगा, क्या एंजल्स जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, ये एंजल्स आपकी मदद करेंगे हमेशा, क्या आपका प्यार वापस लाने में एंजल्स आपकी मदद करेंगे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप को लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, लॉयल्टी पर हो सकते हैं, ट्रस्ट पर हो सकते हैं, कि आपके पर्सन पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो लॉयल रहेंगे आपके लिए, क्या वो सच में प्यार करते हैं आपसे, क्या वो सच में ट्रू लव करते हैं, क्या दिल में उनके वही है जो कि वो सोच रहे हैं। या ऐसा भी है कि कई बार ना आप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, लेकिन उनकी तरफ कभी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं, ऐसा भी है। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि क्या सच में आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं या सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। और है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर गाइज फाइनेंस को लेकर कंसर्न है आपका, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ जाएगी या नहीं आएगी, ऐसा है। आपके जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी, क्या फाइनेंशियल आपको बेनिफिट होगा, क्या कुछ फाइनेंस गेन होगा आपको या नहीं होगा, है ना, कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो इन्वेस्ट करना वहाँ पर अच्छा रहेगा या नहीं होगा, कहीं अगर आपके पैसे भी फंस रहे हैं तो क्या वो पैसे वापस आपके लौट आएंगे। और अगर मैं रिलेशनशिप में इस कार्ड को देखती हूँ तो जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल ऐसा हो सकता है कि गाइस ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनसे जो है ना कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपका ये दिमाग में ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, क्या ये इस पर रिलाय कर सकते हैं, क्या इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या ये पर्सन सच्चा है या नहीं है, क्या ये हमेशा ही झूठ बोलता रहेगा, है ना, क्या ये कभी सच्चा बनेगा, क्या ये कभी लॉयल्टी अपनी तरफ से शो करेगा, क्या ये अपना प्यार अपनी तरफ से कभी शो करेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर गाइज ऐसा भी क्वेश्चन मन में चल रहे हो सकते हैं कि क्या उन्होंने कहीं कोई चीज़ छुपाई तो नहीं है, कुछ सीक्रेट्स तो ऐसे नहीं हैं, है ना, क्योंकि बिहेवियर को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, इनके बिहेवियर को लेकर आपको समझ नहीं आता, डाउट्स होने लग जाते हैं इनके व्यवहार को देखकर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते हैं कि ये अपने पैसों का क्या करते हैं, या आपके लिए आपकी लाइफ की सिक्योरिटी कभी रहेगी या नहीं रहेगी। और एक कार्ड ये बच गया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे लोग जल्दी चाहते हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं चीज़ों का ठीक होने का, अपने पर्सन को वापस पाने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ, तो अब वो स्पीड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, आप जल्दी से आपके पर्सन कमिटमेंट दे दें, जल्दी से आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं। आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप एक अच्छे लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं,
आप बहुत बार लॉजिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत बार लॉजिक यूज़ ही नहीं करते हैं, और अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन कई बार आप बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। आप बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है ये रुकी हुई ना रहे, बस आगे बढ़ जाए, क्लैरिटी आ जाए, है ना। तो आप अपनी लाइफ को लेकर भी एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आपके रिश्ते में आखिर होने क्या वाला है, आगे आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, क्या थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, या थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। और अगर ये दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ट्रैवलिंग का भी कार्ड है ये, तो आप में से हो सकता है कि अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हों, और आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि क्या आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, है ना, या जिस पर्सन के लिए आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, है ना, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक ग्रोथ चाहते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा, बहुत हो गया, अब रिलेशनशिप अच्छा ही होना चाहिए। तो आपके मन में चलता है कि क्या ये रिलेशनशिप अच्छा होगा, है ना। या ट्रैवलिंग का भी है कार्ड, तो ये क्या आप अगर कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या ये जर्नी अच्छी रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आप एब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, एब्रॉड सेटल होने का प्लान कर रहे हो, तो क्या वो पॉसिबल होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे रेजोनेट हुए, कितने परसेंट आपसे क्वेश्चन रेजोनेट हुए हैं, और क्या क्या क्वेश्चन रेजोनेट हुए हैं, है ना। ठीक है गाइज, तो ये तो सारे क्वेश्चंस थे, अब इनके आंसर क्या होने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, क्या आप जो प्लान कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, एफर्ट्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आए और आपको आपका प्यार मिल जाए, तो क्या ऐसा होगा, क्या ये सब होगा। कार्ड क्या आंसर करते हैं, यूनिवर्स आपको क्या आंसर देता है, यस या नो क्या आंसर देता है। नाइन ऑफ कप्स निकला है, एक कार्ड और निकालना चाहेंगे। द चैरियट कार्ड्स जो निकले हैं काफ़ी पावरफुल निकले हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, है ना। एक कार्ड तो ये बता रहा है अगर करियर में है या रिलेशनशिप में भी है, तो आपको जो है ना बैलेंस कर करके चलना है, बैलेंस करते हुए चलना है, डिवाइन टाइमिंग आएगी और टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ ठीक होता जाएगा। दूसरा जो कार्ड आया है बहुत अच्छा कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी जो विश है, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो ज़रूर फुलफिल हो जाएंगे। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको इन रिटर्न सब कुछ दे रहा है, अपनी तरफ से पूरी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्दी पूरा होगा, है ना। और साथ में बैलेंस बना कर रखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर, चाहे इन्वेस्टमेंट है या और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप बैलेंस रखिए थोड़ा सा खुद को बैलेंस कीजिए। आपकी एनर्जी भी जैसी निकली है बहुत परेशान है, तो अपने ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे इतने सारे, जो भी आपके मन में इतनी खिचड़ी चल रही थी, इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, तो उन सब का आंसर है यस, आपके सारे विशेस ज़रूर पूरे होंगे। गाइस, मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, अपने रिश्ते में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।